क्या बात है, हंस लिए हो, दिल बहल गया हो, तो फिर अपना दीदार करवा ही दीजिए अब। मैं हूँ आग बबूला, जला दूंगा तेरे घर का चूल्हा। आग बबूला, आप इंसान हैं या हैवान? वैसे बबूले भाई, यहाँ आने की कोई खास वजह है क्या? तुम्हें तुम्हारा पहला सुराग देने। क्या? तो फिर दीजिए। इतना आसान नहीं होगा, नानी याद आ जाएगी। हम इस दुनिया में अकेले हैं, हमारे कोई शौहर नहीं है। शायद हमें कोई गलत फहमी हुई है। आप अपना यहाँ आने का मकसद बताइए। हमें आपकी मदद चाहिए। इंसान की शक्ल में एक शैतान काले चिराग को हासिल करने की कोशिश करने वाला है। काला चिराग? जी, वो अपने इस शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए एक लड़के को तैयार कर रहा है। आपको वो तैयारी रोकनी होगी। वो लड़का है कौन? जी, ये उसकी तस्वीर है। इस लड़के का नाम अलादीन है। अलादीन? जी। आपको पता भी है अलादीन कौन है? मतलब? क्या हमें हमारी अम्मी की शक्ल याद नहीं है? ये नानी की बात कर रहे हैं। बड़ी उस्ताद के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें। काश हमारे पापड़ बेलने वाले नौकर यहाँ होते। बबूले भाई, कितना वक्त लगेगा? बताइए ना सुराग क्या है। बता दूं? पक्का? सोच लिया ना? नहीं 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 नहीं, क्या है ना, अब और तंदूरी मुर्गे की तरह पकने का मन कर रहा है। अरे बता दीजिए, कहाँ है वो? आग बबूले के सामने सिर्फ आग बबूला, आग बबूला हो सकता है। अच्छा अच्छा, बताता हूँ। पहली कहानी और पहले सुराग के लिए तैयार हो जाओ। इस कंगन की कहानी ही तुम्हें तुम्हारे पहली जिंदगी के रास तक ले जाएगी। जिंदगी का रास? ओहो, मेरा मतलब आतिशबाज, तुम्हें आतिशबाज बना देगी। पर इससे पहले आपने जिंदगी का रास कहा। अरे गर्मी में निकल गया मुँह से, वो सब छोड़ो, तुम कंगन के बारे में सोचो। सही खेल गए। ये कंगन हमें इतना देखा देखा क्यों लग रहा है? ये मुकद्दर का खेल है, खेलते जाओ, जाओ और पहेली सुलझाओ। और हाँ, इस खेल का सबसे बड़ा उसूल है कि जो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है उसे ये कंगन बिल्कुल मत दिखाना, वरना तुम खेल से बाहर हो जाओगे। मैं दुआ करूंगा कि तुम जल्दी जीतो। ये आग बबूला काफी जज्बाती हो रहे हैं। शुक्रिया। तक हमारे खिदमतगार ने अलादीन को सुराग दे दिया होगा, जिसकी वजह से अलादीन कहानी को सुलझा कर आतिशबाज बन गया होगा। सहा जाता काले चिराग से दूर रहना। उस कमीने की कोई भी मुहिम मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। सफर, तू सोच रहा होगा क्या का तेरे खिदमतगार से पहला सुराग ले चुके होंगे। लेकिन वो बेचारा असली खिदमतगार तो किसी को कुछ देने की हालत में ही नहीं है।
माफ करना भाई, कभी कभी सीधा काम करने के लिए टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। सफर तो आका को काला चिराग लाने की राह पर छोड़ चुका था, पर बीच में मैं उनका रास्ता काट गया, उन्हें सीधे रास्ते पर ले आया, उन्हें अम्मी के कंगन दे दिए। हीरे से ही सही, पर आका सही रास्ते पर पड़े तो सही। सफर, तू आका को अपने शैतानी मंसूबों का मोहरा बनाना चाहता है ना, लेकिन भूल गया कि असली खिलाड़ी तो मुकद्दर होता है, वही जीतता है। जब मुकद्दर हो राजी तो क्या करेगा यार क्या काजी, अब झूठ की काली रात में होगी सच की आतिशबाजी। कितना खूबसूरत कंगन है, कीमती भी लगता है बिडू। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये कंगन मेरा ही है। चोरनी, कंगन देखा नहीं कि बस दिल ललचा गया। शहजादे, अब आपको ये पता करना है ना कि कंगन किसका है। ये क्या, ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं शिफान, कंगन अलादीन को मिला है तो इसकी मालकिन को भी यही ढूंढेगा, और मुझे यकीन है कि तुम कोई बेईमानी नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? सही खेल गए शहजादे, हमें पूरा यकीन है कि आप इस पहेली को भी आसानी से सुलझा लेंगे। क्यों नहीं, कोशिश जरूर करेंगे। चलो हाँ। जिनू, हमें इस कंगन को खरीदने वाले को ढूंढने से पहले इसे बनाने वाले को ढूंढना होगा। आखा आखा, कंगन कायनात इंसान जानवर सब उसने बनाया। अरे अरे जिनू, हम जोहरियों की बात कर रहे हैं, हमें बगदाद के हर जोहरी के पास जाना पड़ेगा। चले, तूने अलादीन की मदद काय को की रे, कंगन के मालिक को तू ढूंढ लेती तो जीत जाती, कहीं मक्खन मलाई में तेरा दिल फिसल तो नहीं गया बिडो। जी नहीं, तुम शायद भूल रही हो कि अब मेरा मकसद कोई मुकाबला जीतना या तालीम हासिल करना नहीं, बल्कि उस महामुच्छर से बगदाद की आवाम को बचाना और ये जानना है कि इस मिट्टी से मेरा रिश्ता क्या है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, शायद कोई पुराना रिश्ता याद आ जाए। पुराना रिश्ता? हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि ये तुर्किस्तान का शहजादा है, और सबसे अलग तो काम कोई नहीं कर पाता, ये कर दिखाता है। थोड़ा बुद्धू है पर दिल का साफ है, हमें तंग करने के लिए अम्मी कहकर बुलाता है। आपके हाथ का शीर कोरमा, वो तो दुनिया की हर दर्द की दवा है अम्मी। अब तो मान गई ना अम्मी, अब सच से भाग रही है अम्मी। पर इसके मुंह से अम्मी सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम नहीं चाहते अलादीन पर उस शैतान के हाथ में चिराग देकर दुनिया बर्बाद करने का इल्जाम लगे। दरिंदा कोई और नहीं, बगदाद का अय्यार सुल्तान जफर। अलादीन, अलादीन खुदा का नेक बंदा है, इसकी और कायनात की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, सफर से भी और काले चिराग से भी। लोग इस फर्ज को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। रुखसार बेगम, आपकी मदद तो चिराग का रखवाला ही कर सकता है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, हमें उनसे मिलना है। इतना आसान नहीं होगा, कायनात को बचाना आसान हो भी नहीं सकता, पर हमें मुश्किलों से डर नहीं लगता। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, अल्लाह रखा बदियात अलशाम के सुनसान गुफाओं में रहते हैं। किस गुफा में? ये कोई नहीं जानता, आप वहाँ जाएं और उन्हें आवाज लगाएं, आपकी आवाज सुनकर आपसे खुद मिलने चले आएंगे। आपको रेगिस्तान पार करने पड़ेंगे, रास्ता बड़ा खतरनाक है और आप अकेली। जिसका इरादा नेक होता है खुद अल्लाह उसके साथ होता है, और जिसके साथ अल्लाह है वो अल्लाह रखा तक जरूर पहुँच जाएगी। चलती हूँ, आप लोगों का शुक्रिया।
आपने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? ये मुकद्दर का खेल है, इसमें इंसान का फैसला नहीं, मुकद्दर की ही मर्जी चलेगी। या खुदा, इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वक्त से पहले इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि हे खुदा, सही वक्त जल्दी दिखा और बिछड़ों को जल्दी मिला। आका, ये जोहरी भी बड़े अजीब होते हैं, इतने सारे जेवरात रखते हैं लेकिन थोड़े बहुत समोसे और जलेबी रखें तो क्या जाएगा? रखेंगे तो कम से कम हम खा तो सकेंगे। वैसे भी आज मौसम बड़ा खराब है। माफ करिए ब्रिथर, तुम हमारा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देते? हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे अम्मी, हमारा मतलब बड़ी साथ। अब देखो तब अम्मी अम्मी अम्मी, अगर हम सच में तुम्हारी अम्मी होते ना तो हमारी बात ना मानने के जुर्म में तुम्हें कमरे में बंद कर देते, कौन खींच खींच कर उन्हें खरगोश की तरह लंबा कर देते, और तुम तुम्हें एक समोसा खाने के लिए नहीं देते, चीर खुरमा बनाते थे बकरी को खिला देते पर तुम्हें नहीं खिलाते, और तुम जो घर से बाहर जाते ना तो चिल्लाकर सबके सामने पूछते कि फटा कच्चा तो नहीं पहना तुमने। अलादीन, ये फटे हुए कच्चे कब तक पहनकर घूमेगा तू? अल्लाह, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है? आधी मुश्किलें तो ये शहजादा अपने लिए खुद खड़ी कर लेता है। आका आका, अपने मोम से दिल को पत्थर दिल करिए, अभी ये सब नहीं, सिर्फ काम पूरा करना है, काम। और वैसे भी आका, ये बताइए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अपना रिश्ता और बड़ी उस्ताद का रिश्ता समझ सके, इसलिए चलिए। सही कह रहे हो जानेमन। जानेमन, ये किसने कहा है? कहा तो नहीं पर एक दिन कहेगा जरूर। चलो अब चलते, तूफान आने से पहले मैं अपना काम खत्म करना होगा। चलिए। मैं भी देखता हूँ तुम तुम्हारा काम कैसे खत्म करते हो शहजादे। ये नया खुफिया माल हाथ गाड़ी में डाल दिया है, बस कुछ खा पी के निकलते हैं। ठीक है चलो। अब ये नया माल क्या हो सकता है, पता करते हैं। जीनू, हमने हर दुकान देख ली लेकिन अभी तक इस कंगन को बनाने वाला जोड़ी हमें मिला नहीं। वो तो है आका, एक वो दुकान रह गई, खुर्रम जौहरी मुस्कुराहट करी दोहरी, यहाँ पता करते। देखे लगे, चलो। जनाब, आप खुर्रम साहब हैं? तो फिर खुर्रम जौहरी को बुला दीजिए। हाँ, ताकि हमारी भी मुस्कुराहट दोहरी हो सके। हम उनके बेटे हैं, तुर्रम। हाँ, तुर्रम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू अंदर काम कर रहे हैं तो आप ही कंगन मुझे दिखा दीजिए। सही खेल गया, इससे कैसे पता चला? शायद आपको देख के समझ गया होगा, चेहरे से ही रईस दिखने वाले मेरे आका कंगन नहीं तो क्या बैंगन लाएंगे? अरे जनाब, हम खुर्रम जौहरी के बेटे हैं, दुकान पे कोई क्यों आया है चेहरा देख के बता देते हैं। सही खेल गया, सही खेल गया। अतरम या, क्या ये कंगन आपके अब्बू ने बनाया था?
इतना बारीक काम, ये तो यकीनन अब्बू की कारीगरी है। आप यहाँ इंतजार करिए, हम जरा अब्बू से पूछ के आते हैं। जी जी जी। वाह भाई वाह। आका, हम इस इम्तिहान को पार करने वाले, कैसा लग रहा है? खुरमिया, सलाम। जी, तो पता चला? किस बारे में? कंगन के बारे में। कौन सा कंगन? वही कंगन जो आपका बेटा आपको दिखाने के लिए अंदर लेके गया। अरे कौन सा बेटा? आप सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हैं? देखो, ना तो मेरा निकाह हुआ है और ना ही कोई मेरा बेटा है। मैं तो पड़ोस की दुकान पे चाय पीने गया था। आका, लगता है खुर्रमिया बुजुर्ग है इसलिए याददाश्त नीचे चली गई है। खुर्रमिया, शायद आप भूल रहे हैं, आपका एक बेटा भी है, तुर्रम। अरे बुजुर्ग होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से? किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया जिनू। बेवकूफ? लेकिन कौन बना सकता है हमें बेवकूफ? जल्दी देखते हैं इसके अंदर क्या है। पता नहीं यहाँ उस मच्छर ने क्या आतंक फैला रखा है। बेचारों की किस्मत खराब है चटर पटर, जो ऐसी हरकत कर गए। अब मैं उनका वो हाल करूं? बोल के बताने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही देख लेना। मेरा बच्चा है तू। मेरे रहते तो कभी नहीं जी सकता। निकम्मे शहजादे, जिनका नाम ही दुकान हो उन्हें शहजादों के खिलाफ मंसूबे नहीं बांधने चाहिए। शहजादे ऐसे ही होते हैं। तुम्हें ना अपने बारे में बड़ी गलत फहमी है, बड़ी गलत फहमी। तुम्हें क्या लगा तुम हमारा तालीम घर से पीछा करते रहोगे और हमें पता ही नहीं चलेगा? हमारी अकल जो है ना ये करने के। अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, हमें सब कुछ पहले से ही पता है। लेकिन तुम्हारी नीयत में इतनी खोट है कि हमें आज दिख भी गए। और तुम तो बड़ा कहते रहते कि हमें बेईमानी नहीं पसंद, बेईमानी नहीं पसंद, बेईमानी नहीं पसंद। और तुमने ये किया? मैं हमेशा से यही कहता आया कि जंग, मोहब्बत और मुकाबले में सब कुछ जायज। ये बेकार की बात है ना, हम बाद में सुनेंगे। हमारे कंगन वापस करो और चुप चाप पहले घर वापस चले जाओ। ये कंगन अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। निकम्मा शहजादा कुछ संभाल के रख ले, नामुमकिन। कंगन भी खो दिया।
अब बड़ी उस्ताद को, सुल्तान को और बख्श को क्या मुंह दिखाओगे? परेशान मत हो, परेशान मत हो, अल्लाह मियां ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, वही दिखा देंगे, क्यों जीरू? आका बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा जीरू जी, एक बात बताओ, एक बार के लिए तुम भी डर गए थे ना? अरे बहुत जोर से। दोनों सदमे में हो क्या? तो इतना से जा रहे हो? अरे कूड़ेदार, सदमे में हम नहीं, तुम आने वाले हो, क्योंकि असली कंगन यहाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.